हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक इमॉर्टल मैन और एक एक्ट्रेस की लव स्टोरी पे आधारित है, और इस ड्रामा का नाम है माई अमेजिंग बॉयफ्रेंड। तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है एक एक्सीडेंट से, जहाँ पर हमारी प्यारी मेन लीड जिसका नाम है जियान जिंगशेई, वो घायल रोड पे पड़ी रहती है और उसका बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है। और वहीं पास में एक कॉफिन पड़ा रहता है जिसमें से किसी का हाथ बाहर निकल रहा होता है, और जिंगशेई का ब्लड जाकर उस हाथ से टच हो जाता है। जैसे ही वो ब्लड उस हाथ से टच होता है वो आदमी डेड से अलाइव माने जिंदा हो जाता है। और ये और कोई नहीं, हमारा हैंडसम मेन लीड होता है और इसका नाम है सुआ लिंगशियो। फिर स्टोरी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि हमारा मेन लीड 400 सालों से एक ह्यूमन लाइफ जी रहा है। तो लिंगशियो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक इमॉर्टल है, और बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले किसी ने उससे धोखे से कैद कर के उसका सारा ब्लड ड्रेन कर लिया था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चला जाता है। फिर कहानी आती है एक्सीडेंट से पहले के सीन पे, जहाँ जिंगशी अपने बॉयफ्रेंड को जिसका नाम ली यंग रहता है उसको मैरिज के लिए नाच गा के बहुत ही क्यूट तरीके से प्रपोज करती है। पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है, और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ होता। आज से पहले भी जिंगशी के जितने भी बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया वो सब उसकी दोस्त को पसंद करते थे। इस सब से दुखी होकर जिंगशी सुसाइड करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाती है, और जब वो कूदने का सोचती है तो इतने में ही वहाँ पर उस बिल्डिंग का वॉचमैन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कुछ करोगी भी कि नहीं, क्योंकि वो 2 घंटों से बस कूदने का ट्राई करती है पर कूदती नहीं। एंड वॉचमैन वाज लाइक, अरे तू कूद रहे, अरे तू जा रही। एंड जिंगशी वाज लाइक, मैं नहीं कूदूंगी, मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। एट लास्ट वो वहां से नहीं कूदती, और जब वो अपनी कार से जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी से हो जाता है। फिर उधर दिखाया जाता है कि श्वालिंग उस आदमी की खोज में है जिसने उसका ब्लड निकाल के उसे मारने की कोशिश की थी। एक्चुअली उसकी मेमोरी का कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से उसे याद नहीं कि किसने उसे मारने की कोशिश की थी। और जब वो सिटी में जाता है तो उधर देखता है कि 100 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होता है, तो इस नए ज़माने के बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाता है, और वहाँ वो होता है जिसका हर ड्रामा में होना ज़रूरी होता है,
कुछ छपरी टाइप लड़कियां हमारे हैंडसम हीरो की फोटो क्लिक करने लगती हैं और जिसको देख के हमारा हीरो वाज लाइक स्टॉप इट गेट सम हेल्प। उधर जिंगशी हॉस्पिटल में एक महीने से बीमार होने का नाटक कर रही होती है, जबकि उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया रहता है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने फैंस का और दूसरे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, जिससे वो और पॉपुलैरिटी गेन कर ले और कोई उससे उसके मैरिज रिजेक्शन के बारे में ना पूछे। तो जिंगशी पेशे में एक एक्ट्रेस होती है और वो ड्रामा में सेकंड लीड का रोल करती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिंगशी को कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो वो हॉस्पिटल से चोरी चुपके बाहर आती है और दीवार कूद के बाहर जाने की कोशिश करती है कि इतने में ही वो एक गड्ढे में गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, तो इतने में ही वहाँ श्वालिंग आ जाता है। हाँ गाइस, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो कि श्वालिंग वहाँ कैसे आया, तो मैं आपको थोड़े पीछे की कहानी बताती हूँ। जब से जिंगशी और श्वालिंग का एक्सीडेंट हुआ है, तब से उन दोनों की हार्ट बीट एक दूसरे की हार्ट बीट से कनेक्ट हो गई है। मतलब जब भी वो दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, तो इसी के कारण श्वालिंग जिंगशी पे नज़र रख रहा है कि उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो इनडायरेक्टली श्वालिंग की जान भी खतरे पे पड़ सकती है। तो बैक टू स्टोरी, जब श्वालिंग वहाँ आता है तो जिंगशी उसे वहाँ से निकालने को बोलती है और हमारा श्वालिंग वाज लाइक नहीं। फिर जिंगशी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो बोलता है कि मैं तुम्हें तभी निकालूंगा जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी, और बोलती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो श्वालिंग उससे पूछता है कि क्या तुम इमॉर्टैलिटी में बिलीव करती हो और क्या तुम इमॉर्टल बनना चाहती हो, जिस पे जिंगशी सोचती है वो कोई साइकेट्रिक वार्ड से भागा हुआ पेशेंट है और बोलती है हाँ मैं इमॉर्टैलिटी में बिलीव करती हूँ, पर मैं इमॉर्टल बनना नहीं चाहती क्योंकि भले ही मैं इमॉर्टल हो जाऊँ पर मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स एक के बाद एक मेरे सामने से गायब हो जाएंगे, आई मीन मर जाएंगे, और आखिर में मैं अकेली हो जाऊँगी और सब मुझे मॉन्स्टर समझने लगेंगे। श्वालिंग उसका आंसर सुनने के बाद उसे फ्लैश की स्पीड से बाहर निकाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको देख नहीं पाती। अगले दिन आखिरकार हॉस्पिटल वाले जिंगशी को हॉस्पिटल से निकाल ही देते हैं। जिंगशी हॉस्पिटल के बाहर आती है तो उसे प्रेस से पता चलता है कि जब वो एक्सीडेंट के बाद अनकॉन्शियस रोड पर पड़ी थी तो किसी फैन ने उसे किस कर दिया था। तो घर पहुंचकर जिंगशी अपनी मॉम से पूछती है कि किसी ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, जिस पे उसकी मॉम बोलती हैं कि ये न्यूज़ तो हर जगह फैल चुकी है, बस तुम्हें ही नहीं पता। और वहाँ श्वालिंग अपने मर्डरर के बारे में पता करने के लिए उस रिसर्च सेंटर में जाता है जहाँ पर उस पे रिसर्च चल रही होती है, पर उसे वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। उधर जिंगशी को पता चलता है कि हॉस्पिटल के बिल्स के कारण उसकी सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी थी और अब उसके पास कार भी नहीं है, और ये सब बात तो जैसे जिंगशी के दिल पर तीर जैसी लगती हैं, और वो वापस अपने घर चली जाती है जिससे वो वापस काम पे जाकर थोड़ा मनी अर्न कर सके। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड ली गेन आता है। वो जिंगशी से कार एक्सीडेंट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर जिंगशी उसकी एक बात नहीं सुनती और घर के अंदर जाके गेट लगा देती है। उसी रात को जिंगशी अपने घर के बाहर श्वालिंग को देखती है और उसकी हार्ट बीट फील करती है, तो इतने में ही वहाँ पर उसका सिक्स्थ एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर येन उससे मिलने आता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। दरअसल वो भी श्वालिंग की बॉडी के बारे में ही पूछने आता है। वो उसे श्वालिंग की डेड बॉडी की फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर जिंगशी डर जाती है एंड उसका रिएक्शन वाज लाइक जब मिस्टर ये जिंगशी के घर से बाहर आते हैं तो वो ली यान को कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हें जिंगशी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। मिस्टर ये को ऐसा लग रहा होता है कि बॉडी के घूमने की वजह से जिंगशी पर खतरा हो सकता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वो ही एक लौती सर्वाइवर थी। उस पर ली यान बोलता है कि जब तक जिंगशी खुद प्रोटेक्शन की मांग नहीं करती तब तक वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, और उनकी ये सारी बात श्वालिंग एक पास ही के पेड़ पर बैठ के सुन रहा होता है। और हमारा एपिसोड नंबर 1 यही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, जिंगशी को किसने किस किया और श्वालिंग को किसने मारने की कोशिश की, ये जानने के लिए आगे के एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हुआ और आपका शुरू।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।